रियल लाइफ में रवीना टंडन जिन मुद्दों के लिए आवाज़ उठाती हैं, रियल लाइफ के जरिए भी वो लोगों तक यही बात पहुंचा रही है। हम मात्र फिल्म की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवीना आपका। थैंक यू भावना। रवीना, मात्र फिल्म के जरिए क्या सोसाइटी में बदलाव आ सकता है? देखिए, सोसाइटी में तो एकदम यूं झट करके तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक जो मैसेज पहुंचती है, जैसे कि मात्र के ज़रिए जब हम लोग ने ट्रेलर्स ही लॉन्च किए तो वो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला हम लोग को। एक्चुअली आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे, पीपल एक्चुअली सिटिंग अराउंड रिव्यूइंग द ट्रेलर एंड देन दे आर डिस्कसिंग कि वाकई हमारे देश में ये स्थिति आ चुकी है जहाँ बदलाव की ज़रूरत है। दैट मीन्स इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। रवीना, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट ऑल दीज इशूज़। इज दिस अ रीज़न आपने मात्र फिल्म की है? यू नो, मात्र का स्क्रिप्ट जब मेरे पास आया, इट वॉज वेरी हार्ड हिटिंग प्लस वेरी इमोशनल। आई हैव 3 girls, सो दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, you know, and as being a girl and a woman myself, facing certain situations like that in life, main nahi chahti hu ki meri betiyan zindagi bhar kisi dar mein rahe. So this is what the film talks about, Matra. It is basically about the frustrations of the common man. Iske pehle ke log kanoon apne haathon mein lena shuru kare, it is time ke hum wo badlav lana shuru kare. Kya real life mein bhi you think this as a solution ke hum logo ko apne liye khud hi khada hona chahiye, kisi ki wait nahi karni chahiye? People should help each other. आई थिंक पीपल हेल्पिंग ईच अदर इज़ डेफिनेटली अ मस्ट, क्योंकि अगर हम ही अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, अगर हम लोग किस तरीके के अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे सोसाइटी को, तो वो बदलाव कैसे आएगा? हम अपने बेटों की परवरिश कर रहे हैं, उनको ये सिखाएं ज़रूर कि जो बगल वाली महिला है वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आपकी दोस्त है, और कल किसी की पत्नी और कल किसी की माँ बन सकती है। क्या आपको लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ होना चाहिए? शिक्षा मिल ही रही है, स्कूल एजुकेशन तो ठीक है मिलती ही है, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द एक्चुअल कल्चरल अपब्रिंगिंग वेयर यू नीड टू रिस्पेक्ट विमेन और द वीकर पर्सन। आदित्यनाथ योगी ने एक एंटी रोमियो स्कैट स्टार्ट किया, डू यू थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव? इससे कुछ चेंज आएगा? इट वाज एन एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ मैंने पॉजिटिव स्टोरीज भी सुनी है और नेगेटिव स्टोरीज भी सुनी है। मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ भी देखी हैं जहाँ कॉलेज लड़कियों ने बोला है, बहुत पॉजिटिव स्टोरीज दी हैं कि एक्चुअली फ़र्क पड़ा है। बट हाँ, लॉ को सख्त हो जाना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जुवेनाइल लॉज में चेंजेस आए हैं, लेकिन वो शायद इतने स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं अब तक। सो दीज आर थिंग्स, दीज आर इशूज विच आई थिंक इट्स टाइम दैट एवरीवन स्टार्ट्स स्पीकिंग अबाउट। क्या आप कुछ फिटनेस की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं जो आप खुद से स्ट्रॉन्ग फील करती हैं, आप अपनी बच्चों को सिखाती हैं सो दैट दे कैन फाइट फॉर देमसेल्फ? वेल, आई थिंक वुमेन हैव टू बी अलर्ट। लड़कियों को ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए जिस जहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, एंड कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स, इतने सेफ्टी एप्स भी निकले हैं जहाँ आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकती हैं। खुद अपने आप में एक ऐसा ग्रुप बनाए जहाँ एक दूसरे को स्पीड डायल पे, या कुछ ऐसे एक सिस्टम बने जहाँ यू नो एवरी फ्रेंड और एवरी वन नोज वे यू आर एट व्हाट सर्टन पॉइंट। उसके अलावा लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डिफेंस, डजंट हर्ट एनी वन, वाई कांट वी फाइट बैक? वी हैव दैट इनर स्ट्रेंथ इन अस to bring out and be any rup that we want to be, whether we want to be a Kali, we want to be a Durga, we want to be Chandi, we want to be Saraswati, we want to be Lakshmi, we have that all inside us. To apne andar ki shakti ko jagane wali baat hoti hai.